आयु में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। असफल का बयान, नक्सलियों ने लगाए एम्बुश में फंसे जवान। सत्यनिष्ठा की शपथ के साथ वकोली में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 का शुभारंभ। इंडोनेशिया विमान दुर्घटना। अब खबरें विस्तार से। दंतेवाड़ा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर डीआईजी नक्सल ऑपरेशन सुंदरराज पी का बयान आया है। डीआईजी ने बताया कि अनपुरन के नीलवाया क्षेत्र के कैंप से पेट्रोलिंग पार्टी सर्चिंग पर निकली थी, जो नक्सलियों ने लगाए एम्बुश की चपेट में आ गई है। आज दंतेवाड़ा जिला में अरनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत समेले से हमारे एक पेट्रोलिंग पार्टी गए थे एरिया डोमिनेशन के लिए। इस पार्टी के ऊपर नक्सली द्वारा एम्बुश किए गए थे। इसमें हमारा एक सब इंस्पेक्टर और एक सहायक आरक्षक शहीद हो गए थे। साथ में घटनास्थल में जो मौजूद दूरदर्शन का जो कैमरामैन है उनका भी इस घटना में डेथ हो गई है, और दो अन्य जो आरक्षक जो घायल हुआ है घायलों का भी राय दंतेवाड़ा हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेकर आ गई। आवश्यकता पड़ने से उनका रायपुर भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। आसपास इलाके में भी हमारा पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच गई है, री इन्फोर्समेंट पार्टी और एसपी और अन्य वरिष्ठाधिकारी पहुंच गए थे। अभी इलाका का कॉर्डन करके अन्य जो कार्रवाई अभी की जा रही है थोड़ी देर पश्चात और संपूर्ण डिटेल मिल जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में सदाचार बरते श्री राजू रंजन मिश्रा वेस्टर्न कॉन्फिडेंस लिमिटेड में सत्यनिष्ठा की शपथ के साथ आज सतर्कता जागरूकता सप्ताह का 2018 को शुभारंभ हुआ। इंडोनेशिया खोज दल ने समुद्र में उस स्थान से मंगलवार को और मानव अवशेष बरामद किए जहां लायन एयर का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में 189 लोग सवार थे। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।